चैप्टर 8 में आपको वर्ब के बारे में मिल जाएगा, इसके डिफिनेशन दिया गया है, फिर काइंड्स ऑफ वर्ब्स बताया गया है. उसके बाद यहाँ नॉन नेटिव वर्ब्स आर द फॉलोइंग 3 टाइप्स, उसके बारे में बताया गया है. फिर आपको यहाँ नोट्स देने के बाद एग्जाम्पल दिया गया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए. हेलो एवरीवन, अब हम बात करेंगे बैंक एसएससी इंग्लिश के बुक के बारे में जिसके पब्लिशर लोटस एकेडमी है. अब हम बात करते हैं इसके इंडेक्स के बारे में जिसके अंदर आपको आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंसेस, नरेशन, वॉइसेस, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कंडीशनल सेंटेंसेस, सेंटेंसेस रीअरेंजमेंट, एंटोनेम, साइनोनेम, वन वर्ड सबमिशन जैसे चैप्टर आपको अवेलेबल है. आइए हम देखते हैं पहले चैप्टर को. पहले चैप्टर के अंदर आपको आर्टिकल्स के बारे में मिल जाता है. इसमें आपके इसके डिफिनीशन, इसके टाइप्स मेंशन किए गए हैं, उसको एक्सप्लेन किया गया है. जैसे पहला आपका इनडिफिनिट है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स है जिसके अंदर आपका ए और एन आता है. तो इसको आप, इसमें आपको इसके डिफिनेशन मेंशन किए गए हैं, एग्जांपल दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स भी इसमें मेंशन किए गए हैं. यूजेस ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बताया गया कि हम कहाँ यूज ए करेंगे और कहाँ यूज एन करेंगे. उसके बाद इसको भी आपको एग्जांपल दिया गया है. इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपका यूजेज ऑफ एन के बारे में बताया गया है. उसके बाद यहाँ भी आपका एग्जाम्पल दिया गया है. The omission of the indefinite article के बारे में बताया गया. Indefinite article are not used to before the name of males, sports, subjects, language. उसके बाद यहाँ भी आपको example आपको हर किसी के बाद मिल जाएगा ताकि आपके समझने में कोई परेशानी ना आए. यहाँ आपके definite article के बारे में मिल जाएंगे, uses of definite article, the omissions of the definite article. उसके बाद हर चैप्टर के बाद आपको एक्सरसाइजेज मिल जाते हैं. आप पहले चैप्टर पढ़ लो, अच्छे से समझ लो. आपको एग्जांपल दिया गया है समझने के लिए. उसके बाद यहाँ आपको एक्सरसाइज दिया जाता है, ये आपको करने के लिए ताकि आपके समझने के बाद आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए और अच्छे से आप समझ लें ये क्वेश्चन करके, आपको फिर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना आए. उसके बाद यहाँ आपके आंसर मेंशन किए गए हैं कि आप क्वेश्चन बनाने के बाद आप आंसर मैच कर सकते हैं कि आपने सही किया है या गलत. दूसरा चैप्टर आपका नाउन का मिल जाता है. इसमें भी आपको नाउन के डिफिनेशन मिल जाएंगे, उसकी टाइप्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से नाउन होते हैं. उसके बाद उनको डिफाइन किया गया है विथ एग्जांपल. यहाँ आप देख सकते हैं जैसे प्रॉपर नाउन को डिफाइन किया है, उसके बाद एग्जांपल दिया गया है. कॉमन नाउन को डिफाइन किया है, फिर एग्जाम्पल दिया गया है. यहाँ आपको क्वालिटी, एक्शन और स्टेट बताए गए हैं. ये आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं. उसके बाद नाउन एंड नंबर के बारे में बताया गया है, रूल्स बताए गए हैं, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन बताया गया है. उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सरसाइजेस मिल जाते हैं क्वेश्चन करने को, और हर चैप्टर में आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों मेंशन किया गया होगा. यहाँ आपको आंसर दिया गया है, देख सकते हैं आपको यहाँ क्वेश्चन और आंसर दिया गया है. चैप्टर 8 में आपको वर्ब के बारे में मिल जाएगा, इसके डिफिनेशन दिया गया है, फिर काइंड्स ऑफ वर्ब्स बताया गया है. उसके बाद यहाँ नॉन नेटिव वर्ब्स आर द फॉलोइंग 3 टाइप्स, उसके बारे में बताया गया है. फिर आपको यहाँ नोट्स देने के बाद एग्जांपल दिया गया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए. यूजेज ऑफ मॉडल्स के बारे में बताया गया है. उसके बाद यहाँ आपके एक्सरसाइजेस शुरू हो जाते हैं, आप देख सकते हैं. यहाँ आपको आंसर मेंशन किया गया है. चैप्टर 10 में आपको एडवर्ब के बारे में मिल जाएगा जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, उसके बाद एग्जांपल, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब्स, सिंपल एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ द मैनर क्या होता है, सब मेंशन किया गया है इसमें. यहाँ आपको टेबल दिया जाता है जिसके अंदर आपका नाउन, एडजेक्टिव फॉर्म और एडवर्ब फॉर्म बताया गया है. यहाँ रूल बताए गए हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के बारे में मेंशन किया गया है. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में बताया गया है. फिर उसके बाद हर चैप्टर के बाद आपको एक्सरसाइज करने को मिल जाता है, देख सकते हैं आप. उसके बाद यहाँ आपको आंसर मेंशन किया गया है ताकि आप क्वेश्चन बनाने के बाद आप समझ सको या आप मैच कर सको कि आपने सही बनाया है.
ये लिस्ट ऑफ नाउन्स एंड अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के बारे में बताया गया है, वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशन विथ के बारे में बताया गया है, वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशन फ्रॉम, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी आपको एक्सरसाइज करने को मिल जाता है। यहाँ आपको इरर्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं, फिर यहाँ आपको आंसर मिल जाता है। चैप्टर 12 में आपको कंजक्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है, फिर इसके एग्जांपल दिए गए हैं, काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेशन कंजक्शन, एग्जांपल दिया हुआ है, वर्ड्स प्लस वर्ड, सी लाइक्स टी एंड कॉफी, फ्रेज प्लस फ्रेज, जैसे ही मे बी इन द रूम और ऑन द रूफ, जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बताया गया है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ क्लॉज विच कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस एंड हैव कंप्लीट थॉट्स ऑन इट्स ओन। करिलेटिव कंजक्शन के बारे में बताया गया है, यहाँ आपको रूल मेंशन किए गए हैं, एग्जाम्पल मेंशन किया गया है, कंजक्शन के एक्सरसाइज आपको यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ आपको आंसर मिल जाता है। चैप्टर 13 में कंडीशनल सेंटेंशन के बारे में मिल जाता है, जिसके डिफिनेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स, इफ क्लाउज इन अ प्रेजेंट टेंस तो आप किसके साथ क्या यूज होगा, जैसे जनरल फॉर्मूला के लिए इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस या फिर सिंपल फ्यूचर, देन इफ आई विल फाइंड हर एड्रेस आई विल सेंड हर एन इनविटेशन। यहाँ आपको एग्जाम्पल मेंशन किया गया है। यहाँ आपको थ्री इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बताया गया है। यहाँ आपको मिल जाएगा टाइप 3 में सेंटेंस एंड पैराग्राफ के बारे में मिल जाएगा, डायरेक्शन आपको दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, 5 ऑप्शन मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद टाइप 4 में फ्रेज रीअरेंजमेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ आपको SBI क्लर्क प्री 2020 के क्वेश्चन मिल जाएंगे, SBI PO प्री 2020 के भी क्वेश्चन यहाँ मेंशन किए गए हैं। PYQ क्वेश्चन सॉल्यूशन है यहाँ पे IBPS क्लर्क के बारे में। ये आपको एंटोनिम साइनोनिम्स मेंशन किए गए हैं, आप देख सकते हैं, ये आपके एंटोनिम साइनोनिम रहे। ये आपका प्रैक्टिस सेट रहा, यहाँ आपको प्रैक्टिस सेट भी इस बुक में मेंशन किया गया है, लाइक वाइल्ड फायर, द पॉलिसी हैज बिन डिक्लेयर फॉर द नल एंड वॉइड्स। चैप्टर 19 में करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स बताया गया है, जैसे हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन इन एग्जाम, ग्रेट, सॉल्यूशन सब मेंशन किया गया है, मिरर, स्टील, फॉइल, ग्राउंड, प्रैक्टिस सेट 1, सॉल्व क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं विद डायरेक्शन। ये सब आपको क्वेश्चन इसमें मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। आप सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर आपको इसमें दिया गया है, सारी चीजें इस बुक में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये आंसर विथ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।